लेकर आते हैं, देखते हैं कि हरे रंग का हो जाता है एक साइड, ग्रीनिश दिखने लग जाता है और कई बार पूरा आलू ही ग्रीन होता है और हम लोग नहीं फेंकना नहीं है, बॉईल कर देते और खा लेते हैं। बहुत ध्यान रखना है, आप पार्टीज में फंक्शंस में जब खाते आप चेक नहीं करते हो, कई बार आप बोलते हो ना कि पता नहीं समथिंग सड़ा हुआ आलू था या क्या पता नहीं, बस वो खाते ही फूड पॉइजन हो गया, सडनली नॉजिया सेंसेशन एंड देन वॉमिटिंग और कई बार मौत का कारण भी बन जाती है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि कभी भी हरे रंग का आलू ना हो, प्योर ब्राउन ऑलवेज व्हेन एवर यू परचेज इट शुड बी ब्राउन। हरे रंग के आलू में नो डाउट देयर आर टू ग्रीन कलर्स, एक जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, इट इज नॉट हार्मफुल, क्लोरोफिल इज नॉट एट ऑल हार्मफुल फॉर अवर बॉडी, लेकिन जो सोलेनियस करके जो इसके अंदर एक केमिकल जो रिलीज होता है, वो जो ग्रीन कलर का केमिकल रिलीज होता है, दैट इज वेरी मच डेंजरस फॉर अवर बॉडी। हमको बहुत ध्यान रखना है खाते वक्त कि जरा भी हरा रंग का अगर आलू दिख गया कहीं साइड में है, कई लोग उसको काट के उसके बाद खा लेते हैं कि नहीं ठीक है ना साइड में काट दो, लेकिन ऑलवेज रिमेम्बर अगर आप उसका टुकड़ा साइड में फेंक के भी खाएंगे तो उसका सेल कहीं ना कहीं अंदर रह जाता है जिससे हमारी मौत हो सकती है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये हरे रंग का आलू हम लोग ना खाए। इफ यू ईट दिस तो रिमेम्बर, एक तो ब्रेन में स्ट्रोक आने के चांस, आपको लगेगा ब्रेन में स्ट्रोक क्यों आया, हम तो ज्यादा सोचते नहीं है स्ट्रेस नहीं लेते हैं, नॉट ओनली दैट यू विल गेट ब्रेन पैरालिसिस जस्ट बिकॉज ऑफ सोलेनियस केमिकल। ये जो हरे रंग का जो ये केमिकल है इसके ऊपर, ये हरे रंग का केमिकल आपके पैरालिसिस का कारण बनता है। आप बोलेंगे यार मैं तो कभी स्ट्रेस ही नहीं लेता हूँ ना, मैं कभी कोई टेंशन लेता हूँ, तो फिर मुझे क्यों आ गया, व्हाई आई गॉट पैरालिटिक अटैक विदाउट रीजन। यही चीज हमको कई बार कोमा तक लेके चले जाती है, फूड पॉइजनिंग, नॉजिया सेंसेशन, वॉमिटिंग, पैरालिटिक अटैक, इवन इट टेक्स यू टू कोमा एंड इवन इट क्रिएट्स कैंसरियस सेल्स इन योर बॉडी। सो बी अलर्ट ऑफ दिस थिंग कि ये हरे रंग का आलू हमको नहीं खाना है। अगर ये हरे रंग का आलू हम खा लेते हैं 450 ग्राम, एक आलू का वजन कितना होता है 450 ग्राम, अगर ये पूरा हरा रंग का है और अगर आप खा लेते हो, इट में लीड टू कैंसरियस सेल्स ऑल्सो। और हमको पता भी, आपको लगेगा न सिगरेट लिया, न बीड़ी, न गुटका, न ड्रिंक, न हमारे इमोशंस कहीं पे वीक है, हम इतने स्ट्रांग नेचर के हैं, इमीडिएट ये हरे रंग का आलू क्या करता है आपकी इम्यूनिटी को पूरी तरह नीचे गिरा के, इमीडिएट इट विल क्रिएट कैंसरियस सेल। आपको लगेगा यार विदाउट रीजन आई वॉज सो हेल्दी, आई वॉज सो स्ट्रांग, आई वॉज सो फिट, तो फिर मुझे ये कैंसर क्यों, अनोइंगली वी आर ईटिंग दिस थिंग्स। सो मेक श्योर कि हमको कभी भी हरे रंग का आलू, कहीं पे भी अगर हरे रंग का आलू आपके भोजन में आ गया तो यू विल गेट, यू मे गेट योर बीपी शूटेड अप सडनली, यू विल गेट अ स्ट्रोक, पैरालिटिक स्ट्रोक सडनली, यू मे गेट द अटैक ऑफ कोमा ऑल्सो एंड इट विल क्रिएट कैंसरियस सेल जो आपको 6 महीने के बाद अचानक शूटअप होकर बताता है कि एकदम से ये क्या हो गया, ये कहां से आ गया। तो प्लीज मेक श्योर कि ऐसा आलू हम ना खाएं। लेकिन जब भी लगा कि फूड पॉइजन हो गया है, सडनली नॉजिया, सडनली वॉमिटिंग सेंसेशन शुरू हो गई है, इमीडिएट किडनी K9 इस पे प्रेशर देना शुरू कर देंगे आप, ले लेंगे अपने बॉल पेन को, फेसिंग टुवर्ड्स योर रिंग फिंगर यस, सेंटर पार्ट ऑफ योर सेंटर फिंगर का सेंटर पार्ट दैट इज योर K9 किडनी 9 मेरिडियन का पॉइंट। जब हम इसके ऊपर 5 से 10 मिनट तक खूब मालिश करेंगे, इमीडिएट नॉजिया, फूड पॉइजन, ये सब कैंसर तक नहीं जाने देगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि हम लोग जब भी लगा कि जरा सा भी फूड पॉइजन हो गया, जरा सा भी हमको लगे कि नहीं नॉजिया फील हो रहा है, वॉमिटिंग, खाना खा के एकदम से वॉमिट हो रही है, इमीडिएट डू मसाज ऑन K9।